shifting our focus now to Prime Minister Modi, who is attending a public meeting in Rajasthan. Apologies, big breaking news coming in. We need to shift our focus there. अभी-अभी गए हैं, हमने देखा है कि हमारी माताएं बहनें वैसे तो पूरे घर को बहुत साफ सुथरा रखती हैं, बारह महीना वो मेहनत करती हैं, लेकिन दिवाली के दिनों में घर के कोने कोने में सफाई करती है। कोई कोना छूट ना जाए, छोटी सी बारीक जगह भी छूट ना जाए सफाई से। ये चुनाव में हमें उन माताओं बहनों से सीखना है, हमने भी ऐसी सफाई करनी है कोने में भी कांग्रेस बच न जाए। तो पक्का करोगे? अच्छा, माताएं बहनें मेरी मदद करेगी? ये सफाई आपको दिवाली में बहुत सफाई की है, लेकिन राजस्थान के लिए ये सफाई जरूर करनी पड़ेगी। करेंगे? आपने राजस्थान से कांग्रेस की विदाई का काउंटडाउन शुरू कर दिया है। मेरे परिवारजनों, राजस्थान में कांग्रेस ने 5 साल में डगर डगर पर आपको विश्वासघात के सिवाय और कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने यहां आपको कुशासन वाली सरकार दी, कांग्रेस ने यहां आपको भ्रष्ट और घोटालों वाली सरकार दी, जहां सामान्य मानवी की जान सुरक्षित नहीं, जहां बहनों बेटियों का सम्मान सुरक्षित नहीं। कांग्रेस ने राजस्थान को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। और कहते हैं ना कि जुबान पर दिन में एकांत बार सरस्वती आ जाती है, और जब सरस्वती आ जाती है जुबान पर, भले एक पल के लिए आ जाए, तो स्वाभाविक रूप से आपकी जुबान से सच निकल जाता है। और अभी अभी आपके यहां के जादूगर मुख्यमंत्री का ऐसा ही हुआ। यहां के मुख्यमंत्री ने खुद एक सच्चाई स्वीकार की। अभी एक जनसभा में मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि उनके उम्मीदवारों, उनके विधायकों ने कोई काम नहीं किया। ये उनके शब्द हैं, क्योंकि वो यहां अपनी कुर्सी बचाने में ही जुटे रहे। अब ऐसा हाल जिस कांग्रेस का हो, जो अपने में ही खोए हो, वो आपके लिए क्या करेंगे? दिल्ली दरबार अपने ही सीएम की कुर्सी को लूटने में बहुत बिजी, और सीएम उनसे निपटने में बिजी। इन लोगों ने राजस्थान की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया था। अब चुनाव का समय आया है तो ये लोग बेमन से साथ साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं एक परिवार को जानता हूं। एक मैडम ने अपने सब परिचितों को एक दिन वाकई कार्ड छाप करके निमंत्रण भेजा।